चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरह ही अब श्रीलंका में भी ड्रैगन अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन चीन की हर चाल पर भारतीय नौसेना ने भी तैयारियां कर रखी है। चीन जैसे पाकिस्तान की बंदरगाहों पर अपना दबदबा बनाए हुए है, अब श्रीलंका के बंदरगाहों पर अपना वर्चस्व बनाने में लगा हुआ है। इसी नीति को अंजाम देने के लिए ड्रैगन ने श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए हैं। चीन को हाल ही में कोलंबो में एक पोर्ट मिला है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी कब्जा जमाया, जिसे चीन ही बना रहा है। लेकिन ड्रैगन की इन गतिविधियों पर भारतीय नौसेना की भी पहली नजर है। इंडियन नेवी इसे खतरे की घंटी के तौर पर देख रही है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने कहा कि अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन की श्रीलंका में उपस्थिति खतरा है या नहीं, तो ये बेहद मुश्किल सवाल होगा। लेकिन ये सच है कि जब कोई बाहरी आपके क्षेत्र में इतनी रुचि लेने लगे तो उससे आपको खतरा हो सकता है। हमें बस इसी पर करीबी से नजर रखनी होगी। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कोई भी देश हम पर अचानक कोई आक्रमण नहीं कर सकता। मुंबई पर 26/11 हमले के बाद भारत ने तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में समुद्री रास्ते से भारत पर हमले की संभावना अब बेहद कम है। नेवी डिप्टी चीफ ने ये भी कहा है कि हम एक दशक पहले जितने तैयार थे उससे कहीं ज्यादा आज की तारीख में तैयार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।